नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेशनल स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हम पंचवर्षीय योजनाएं और जो भारत में आर्थिक नियोजन है यहां से बनने वाले अति महत्वपूर्ण 75 प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 75 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और समाजवादी या पूंजीवादी या फिर इनमें से सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप हो जाएगा। विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी और पूंजीवादी है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 2, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही है। पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, बिल्कुल सही है। गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, बिल्कुल सही। तो ये जो तीनों हैं हमारे आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, क्या हो जाएंगे, डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। देखिए, सबसे पहले जो है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है भारत में आर्थिक नियोजन प्रस्तुत किया गया था। इनकी एक पुस्तक है प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्या है, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इनके द्वारा जो है 1934 में लिखा गया और इसमें सबसे पहले जो है चर्चा किया गया योजना, भारत में योजना से संबंधित। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4था प्रश्न है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बिल्कुल सही, जरूरी है। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, बिल्कुल सही है। निर्धनता उन्मूलन, तीनों जो है हमारे योजना निर्माण के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 5वां, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भारत में योजना की अवधारणा है यह 1950 में, यानी कि 15 मार्च 1950 में जो है यह स्वीकार की गई और इसी के तहत 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना भी की गई थी। ये आपको याद रखना है, योजना आयोग की स्थापना यहाँ से जो है शुरू होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? देखिए, संविधानेतर का मतलब है कि जिसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है तो वो संविधानेतर हो जाएगा। वित्त आयोग किसमें है? अनुच्छेद 280 में हो जाएगा। निर्वाचन आयोग 324 में है और जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका भी उल्लेख संविधान में है, लेकिन नीति आयोग का संबंध जो है उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये संविधानेतर संस्था हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो पहले योजना आयोग था तो योजना आयोग का जो नाम बदलकर, या फिर कह सकते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर जो है जनवरी 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा, यह संविधानेतर संस्था है। 7वां प्रश्न है, आर्थिक आयोजन या फिर आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो सही हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये अनिवार्य लक्षण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो देखिए, जो नीति आयोग की स्थापना है वह योजना आयोग का स्थान लेने के लिए किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, बात नीति आयोग की है तो इसके बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राजीव कुमार जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं योजना आयोग के, नाम याद रखिएगा, राजीव कुमार। और इसके CEO का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत जो हैं CEO हो जाएंगे नीति आयोग के। ये कुछ करंट के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो जो कि योजना आयोग था इसको आर्थिक मंत्रिमंडल जो है अशोक चंद्रा के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? अशोक चंद्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो जो हमारा योजना आयोग था इसका जो गठन था वह योजना सलाहकार बोर्ड के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा हुआ था? योजना सलाहकार बोर्ड के द्वारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी। 11वां है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? तो सही हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1951 से जो है भारत में आर्थिक नियोजन जो है प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया है ये पुस्तक लिखा था एम विश्वेश्वरैया ने। किसने? सर एम विश्वेश्वरैया ने प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी।
अगला है 13वां, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सही हो जाएंगे, B.S. मिन्हास ने जो है ये पुस्तक लिखी है, प्लानिंग एंड द पुअर। 14वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी, उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? तो जो एम विश्वेश्वरैया ने जो है नियोजन की योजना प्रस्तुत की थी, तो उसमें उनकी जो योजना थी वह 10 वर्षीय थी। कितने वर्षीय थी? 10 वर्षीय योजना को जो है इन्होंने बताया था एम विश्वेश्वरैया ने। तो 14वां प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 10 वर्षीय योजना के बारे में बताया था। 15वां है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी वह 1938 में ही हो गई थी। कब हुई थी राष्ट्रीय योजना समिति का गठन? 1938 में हो गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। अगला प्रश्न है 16वां, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में जो है 1938 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति का जो है गठन किया गया था। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1949 में प्रकाशित हुई। अगला है 18 नंबर, UPPCS में पूछा गया है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? देखिए इसे गांधीयन प्लान भी कहते हैं, इसको किसने प्रतिपादित किया था? श्रीमन नारायण ने किया था प्रतिपादित गांधीयन प्लान को। बॉम्बे प्लान की अगर बात करें तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया था और गांधीयन प्लान भी 1944 में आया था। तो बॉम्बे प्लान को जो है मुंबई के 10 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था। और 1950 में सर्वोदय योजना भी आई थी, आपको ये भी याद रखना है। तो जो 1950 में सर्वोदय योजना आई थी यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है लाई गई थी। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है 19वां, 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, उस योजना का नाम क्या था? तो सही हो जाएगा बम्बई प्लान, यानी कि बॉम्बे प्लान। बम्बई के 10 उद्योगपतियों द्वारा जो है ये योजना लाई गई थी, इसका नाम रखा गया था बम्बई प्लान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जो जन योजना था इसका प्रारूप M.N. Roy के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? मानवेंद्र नाथ रॉय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो सर्वोदय योजना है इसका प्रारूप तैयार किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, JP। 21वां प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब आया था? 1944 में जो है ये योजना आया था, सर माफ़ कीजिएगा 1950 में आया था, 1950 में आया था आपका सर्वोदय योजना। 22वां प्रश्न है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कब खोला? तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। 23वां है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आरदेसिर दलाल को जो है नियुक्त किया गया था योजना एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य। 23 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो सही हो जाएगा 1951 में जो है भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुरुआत हुआ था। कब? 1951 में शुरुआत हुआ था, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में ही शुरू हुई थी, इसलिए 1951 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो सही हो जाएगा गुन्नार मेडल ने जो है सबसे पहले विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो है उल्लेख किया था। तो बात करें रोलिंग प्लान तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आगे मिलेगा। 1978 से कब 1978 से लेकर 1980 तक जो है भारत में रोलिंग प्लान पर ही काम किया गया था, ये आपको याद रखना होगा, आगे ये प्रश्न आएगा। 26वां प्रश्न की आर्थिक नियोजन विषय है किसका, यानी किस सूची का विषय ये है? तो देखिए हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो हमारा आर्थिक नियोजन है जो विषय है यह समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र और राज्य दोनों को होता है। लेकिन यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसी को जो है माना जाएगा, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो देखिए यहाँ से पंचवर्षीय योजना के आपके प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। तो योजना आयोग द्वारा जो है अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका समय क्या था?
तो 2012 से लेकर 2017 तक जो है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। अगला है 28वां, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो देखिए 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, वार्षिक योजना की बात करें तो सी हमारा जो है 7 जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चली थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए हम दूसरी भी देख लेते हैं। देखिए पहली शुरू हुई थी कब, 1951 से लेकर 56 तक। दूसरी की बात करें तो 56 से 61 तक, दूसरी कब चली थी 56 से 61 तक। तीसरा जो है 61 से लेकर आपका 66 तक चला था, ये याद रखिएगा। तीसरा देखिए पहला दूसरा तीसरा जो है क्रम से चले थे, तो तीसरा जो था वो 61 से 66 तक था। तो यहाँ पर तीसरे का जो है समय गलत लिखा हुआ है, 66 से 71। 66 से 71 में कौन सी योजना चली थी, तो 66 से 71 के बीच में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी, बल्कि 66 से 69 में जो है होलीडे प्लानिंग चला था। होलीडे प्लानिंग यानी कि योजना अवकाश चला था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 80 से 85 बिल्कुल सही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक बिल्कुल सही है। तीसरा हमारा यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई। देखिए मैंने अभी आपको बताया, आप याद रख लीजिए कि जो 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी और मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उसी समय जो है पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था और मोरारजी देसाई की सरकार ने जो है भारत में उस समय रोलिंग प्लान लगाया था। तो 1978 से 80 तक जब तक इनकी सरकार थी, तो देखिए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, रोलिंग प्लान कब से कब तक चलाया गया था, 1978 से लेकर 1980 तक। देखिए 83 तक के लिए बनाई गई थी, आप याद रखिएगा 1978 से 83 तक के लिए बनाई जरूर गई थी, लेकिन 1978 से लेकर 1980 तक ही चल पाई थी, क्योंकि 1980 में जो है इनकी सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की दोबारा सरकार आ गई थी। तो ये बात आप याद रखिएगा। 31वां प्रश्न है, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है। तो 31 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। देखिए भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या जो है 6 यहाँ पर सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग होलीडे, होलीडे प्लानिंग भी कहीं लिखा होता है, तो सही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये कब भारत में लागू किया गया था। तो 32 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। देखिए 1966 में सूखे के पश्चात जो है भारत में प्लानिंग होलीडे लाया गया था यानी कि योजना अवकाश, और ये 1966 से लेकर 1969 तक चलाया गया था। और इसी बीच में जो है भारत में हरित क्रांति का भी जो है 66-67 में भारत में हरित क्रांति का भी जो है विकास हुआ था, ये बात आपको पता है। इस पर जो है कृषि पर जो है काफ़ी बल दिया गया था, हरित क्रांति पर बल दिया गया था। अगला है 33, निम्नलिखित में से सही कौन सा है। देखिए इसमें विषय लिखे हुए कि किस पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तो देखिए इसमें से सही पहचानना है सिर्फ आपको। पहला लिखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई, बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी। तो लक्ष्य से अधिक नहीं थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है आर्थिक वृद्धि दर जो है लक्ष्य से अधिक नहीं थी, यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारा यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा 34वें प्रश्न का। अगला है 35वां, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है। तो देखिए 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए लिखा है कि मेल करिए। तो देखिए एक तरफ योजनाएं दी हुई हैं और एक तरफ कार्यक्रम दिए हुए हैं, तो उसका मेल करिए। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी, इसमें सामुदायिक विकास पर जो है बल दिया गया था, सही हो जाएगा। दूसरा लिखा द्वितीय परियोजना, तो देखिए द्वितीय परियोजना जो 56 से 61 तक चली थी, इसमें तीव्र औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। भिलाई में स्टील प्लांट खोला गया, दुर्गापुर में स्टील प्लांट खोला गया, तो ये सभी जो है यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तीसरी में क्या हुआ, तीसरी में जो है आधारभूत उद्योगों का प्रचार जो है प्रसार किया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई झारखंड में रूस की सहायता से, RDBA बैंक की स्थापना की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, डी की बात करें, तो इसमें जो है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास का जो है लक्ष्य रखा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम चौथी में और क्या हुआ, देखिए चौथी में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में हुआ, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण भी हुआ था चौथी में ही। पंचम पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो यहाँ पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है अपनाया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में।
और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रश्न पूछा जाता है, तो पांचवीं योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो सही क्रम देखें तुम्हारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 4। अगला प्रश्न है 36, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो 36 नंबर का सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को जो है प्रमुखता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में। 37वां है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका सही हो जाएगा, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। 38वां है, भारत में औद्योगीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। और यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में जो है राउल केला में जर्मनी की सहायता से स्टील प्लांट लगाया गया, इंपॉर्टेंट है। भिलाई में जो है छत्तीसगढ़ भिलाई में रसिया की सहायता से लगाया गया स्टील प्लांट, और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में यूके की सहायता से जो है लगाया गया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 39वां है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सही हो जाएगा, यह पीसी महालनोबिस के द्वारा है जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था। 40वां है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो खादी और ग्रामोद्योग की जो स्थापना है ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो बी आपका सही हो जाएगा आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न 41वां, देखिए दोस्तों इस वीडियो में 75 प्रश्न होंगे, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 41वां प्रश्न है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो सही उत्तर हो जाएगा, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला भिलाई दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। 42वां है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी जो योजना थी इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 43 नंबर कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 43 नंबर का, देखिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह 1928 के सोवियत संघ के फेल्डमैन योजना के अनुसरण करके तैयार की गई थी। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि पीसी महालनोबिस द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। 44वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, यानी कि स्टील प्लांट लगाए गए थे? तो मैंने आपको गिनती भी गिनवा दिया है, पहला कौन सा था दूसरे पंचवर्षीय योजना में, राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर के जो है स्टील प्लांट लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप तीनों याद रखिएगा नाम। 45वां है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल नहीं था कौन सा? देखिए दुर्गापुर की बात करें तो ये कहाँ पर है? दुर्गापुर जो है हमारा है ये पश्चिम बंगाल में। किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो आप याद रखिए यूके यानी कि इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया, ये देश का नाम पूछा जाता है। देखिए इसके अलावा यहाँ पर बोकारो जो है पर आपका है, बोकारो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं किया गया था। आपका उत्तर सही क्या होगा? बी, जो बोकारो था यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से जो है झारखंड में लगाया गया था, ये भी आप याद रख लीजिए। आपका उत्तर बी सही है। लेकिन भिलाई की बात करें तो भिलाई कब लगाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में? छत्तीसगढ़ में। किस देश की सहायता से? भी जो है रसिया की सहायता से लगाया गया था। और राउरकेला जो है स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से जो है ये लगाया गया था। तो देश का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45वां, देखिए 45वां हो गया। 46वां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें अधसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है इस पर विकास जो है दिया गया ध्यान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 48वां, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो 48 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सहायता क्लब द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 49 नंबर है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक असफल की बात हो रही है तो हमारा तृतीय जो योजना है इसे भारत में सबसे असफल योजना माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसमें जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, IDBI बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लक्षित विकास दर था वो अचीव नहीं किया जा सका, इसलिए जो है ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो उस समय लक्षित विकास दर थी वो माइनस में चली गई थी। 50वां प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। क्या था? इसका उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। 51वां नंबर प्रश्न है,
तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? तो इसमें विकास दिया गया था कृषि के विकास को। ई ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर है, किस भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, क्योंकि भारत चीन का युद्ध भी हुआ था इसी बीच में, सूखा भी पड़ा था इसी बीच में, तो इसे भी जो है भारत में समस्या रही थी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, क्योंकि इसमें भारत चीन युद्ध के से गुजरा था, भारत में सूखा पड़ा था, कई कारण थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना। 54 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति को जन्म देने का श्रेय जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से लेकर 66 तक चली थी, और इसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया गया, बल्कि 3 साल का जो है योजना अवकाश बनाया गया 1966 से लेकर 69 तक, और इसी में जो है 66-67 में जो है हरित क्रांति का जो है विकास किया गया था। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया कब? तो 55 नंबर का हमारा ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य भारत में अपनाया गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? देखिए, जो चौथा पंचवर्षीय योजना था इसका समय क्या, पहले समय आपको सबका पता होना चाहिए, 1969 से लेकर 74 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का समय होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए प्रमुख कारण ये था कि उसमें बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ रहे थे, ये पहला कारण ये था। खराब मानसून थी, ठंडी का मौसम और बिगड़ती कीमत स्थिति यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, ये कारण थे चौथी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, इसे कहा जाता है गॉडगिल योजना। क्या कहा जाता है? गॉडगिल योजना कहा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को। इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है। 5वां है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र यानी कि जो अप्रोच लेटर था वो किसने तैयार किया था? तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डीपी धर ने जो है तैयार किया था पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, और इसी में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? तो 1974 से लेकर 78 तक जो है इसका समय है, ये अपने समय से पहले जो है खत्म कर दिया गया था, क्योंकि सरकार गिर गई थी इंदिरा गांधी की। 59 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, गरीबी हटाओ कार्यक्रम, इसमें जो है ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, और 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किस में लाया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम जो है यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकताएँ तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएँ किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? तो 60 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 के बीच में जो है ये चलाई गई थी। 61 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो ये बार बार पूछा गया है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 62 नंबर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 74 से 78 तक, इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी? तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी यह 1974 से लेकर 1978 तक चली थी, क्योंकि 1975 यानी कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लागू किया गया था, और इसीलिए जो है बाद में इनकी सरकार गिर गई 1978 में, और मोरारजी देसाई ने जो है संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई, और इसीलिए जो है इसको जो है समय से पहले जो है समाप्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 64 नंबर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही हो जाएगा, दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और भारत का आज भी लक्ष्य यही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, लगभग 50 साल हो गए लेकिन अभी तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। 65 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना,
डेट क्या था अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982, कब हुई थी 12 जुलाई 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। 67 नंबर प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, 66 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया, तो 66 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में जो है विद्युत उत्पादन पर बल दिया गया था। कब से कब तक ये था, 80 से 85 के बीच में जो है चलाया गया था। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए 5वीं की अवधि थी 74 से 78 तक, उसके बाद 78 से 80 तक भारत में क्या चला था, रोलिंग प्लान, उसके बाद 80 से 85 में 5वीं और 85 से 90 में जो है छठी पंचवर्षीय योजना चली थी, 7वीं चली थी, तो 7वीं का समय क्या हो जाएगा 85 से 90, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 68 नंबर का जो है डी करेक्ट हो जाएगा, रामकृष्ण हेगड़े ने जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है तैयार किया था, किसने, रामकृष्ण हेगड़े, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम कौन सा था, तो ये रोजगार कार्यक्रम था JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू किया गया था। 70वां प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 85 से 90। देखिए 90 से 92 में जो है, 90 से लेकर 92 तक जो है भारत में आर्थिक जो क्षेत्र में रिफॉर्म का जो है समय माना जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 90 से 92 में, जिसमें मनमोहन सिंह के द्वारा जो है LPG का जो है, किसके द्वारा, देखिए 90 से 92 यानी कि 1990 में और 1992 में जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आया, जिसमें मनमोहन सिंह के द्वारा जो है LPG का जो है सूत्र दिया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो है आर्थिक सुधार का समय था 1990 से 92, इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाया गया। इसके बाद जो है 92 से जो है शुरू होता है 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से, और यह 97 तक चलता है, तो 70 नंबर प्रश्न का हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया, तो ये तैयार किया गया था प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नया जो है निर्देश, बी सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी, तो ये सही हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 92 से 97 के बीच में जो है आर्थिक समृद्धि दर जो है लक्षित दर से अधिक रही थी। 73वां प्रश्न है वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था वो कौन थी, तो 73 का जाएगा डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप 4 सरकारों ने अपने तरीके से जो है किया था। अगला देखिएगा 74वां प्रश्न 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 75वां 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई किसे, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को जो है प्राथमिकता दी गई। तो देखिए इस वीडियो में हमने 9वीं पंचवर्षीय योजना तक हम पहुँच गए हैं और सभी जो है बनने वाले 75 प्रश्न हमने देख लिया है। तो देखिए आपने 9वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ ली, क्योंकि 12 है तो आपको अगला वीडियो देखना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम 60 प्रश्न और डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने 75 में से कितने प्रश्न सही किए जरूर बताइएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, वीडियो को जरूर शेयर करिए। देखिए दोस्तों अभी भी 100% में से अगर हम बात करें तो लगभग 38% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 38% ऐसे लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके द्वारा जो है